हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंडा कढ़ी खाने वाली बहू नेहा कहने को तो ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन उसे अंडा कढ़ी खाने का बहुत शौक था। लेकिन उसके परिवार वालों को उसकी इस पसंद से बहुत परेशानी थी। समय बीतता है और समय के साथ नेहा की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल में अपनी सास शर्मिला और पति अजय के लिए अंडा कढ़ी बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। बहू, आज तू सुबह से ही रसोई में लगी हुई है, ऐसा भी क्या बना रही थी तू? माँ जी, कुछ स्पेशल बना रही थी, आपको भी बहुत पसंद आएगी वो रेसिपी और आप मुझसे रोज बनवाएंगी। ऐसी भी कौन सी रेसिपी है जिसकी तारीफ तू खुद कर रही है? हमारे खाने का भी वेट नहीं कर रही हो कि हम तुझे टेस्ट करके बताएं कि रेसिपी अच्छी बनी है या नहीं। माँ जी, बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे होगा? मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है, मुझे बहुत पसंद है ये डिश। यार, अब तुम खिलाओगे भी अपनी बनाई हुई रेसिपी या खुद ही बस उसकी तारीफ करती रहोगी? मुझे नाश्ता करके ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है मुझे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? लाती हूँ, अच्छी चीजों के लिए सब्र करना ही पड़ता है। बैठिए, अभी लाती हूँ। नेहा इतना कहकर रसोई में जाती है और सबके लिए अंडा कढ़ी और रोटियां लेकर वहां आती है और सभी को खाने के लिए देती है। शर्मिला इस बात से अनजान थी कि वो अंडा कढ़ी है, इसलिए वो उसे बहुत ध्यान से देखती है। बहू, इतनी देर से तू इस टिंडे की सब्जी की तारीफ कर रही थी, इसे बनाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं भी बना लेती हूँ। मुझे तो लगा कि तूने कुछ अच्छा बनाया होगा, लेकिन तूने तो टिंडे बनाए हैं। माँ जी, ये टिंडे नहीं है, ये तो मेरी पसंद की डिश है, ये तो। बस रहने दो तुम, देख लिया हमने कि तुमने क्या बनाया है, अब जो भी है ठीक है, हम यही खा लेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ बहू, अजय बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, तू भी बैठ जा और हमारे साथ ही नाश्ता कर ले, वरना बाद में कहेगी कि हमने पूछा नहीं। लेकिन माँ जी, आप लोग मेरी बात सुनिए, ये टिंडे की सब्जी नहीं है, ये। जाने दे बहू, जो भी है हम खा लेंगे, तूने इतने प्यार से बनाया है, हम तेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आगे से कुछ अच्छा सा बना लियो। कई बार कहने के बाद भी शर्मिला अपनी बहू की पूरी बात नहीं सुनती है और अंडा कढ़ी को टिंडे की सब्जी समझकर खा लेती है। नाश्ता करने के बाद नेहा हंसने लगती है। माँ जी, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैंने आप सभी लोगों के साथ बैठकर अपनी मनपसंद चीज को एंजॉय करते हुए खाया, वरना जब मैं अपने घर में अंडा करी खाती थी तो मुझे मेरे सभी घर वाले बिल्कुल अलग कर देते थे। बहू, तू ये क्या कह रही है, ये अंडा कड़ी थी, अंडा करी को टिंडे की सब्जी समझकर खा लिया, अब क्या होगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तू पहले नहीं बता सकती थी। माँ जी, मैं तो बता ही रही थी, आपने ही नहीं सुनी मेरी पूरी बात और खाने में लग गई। यार, लेकिन जब इतनी तारीफ कर रही थी अपनी डिश की तो उसी टाइम नाम बता देती, हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाता कोई भी, इवन अंडा भी नहीं। लेकिन अंडा आजकल सभी खा लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितना आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यार तुम अजीब हो यार, एक तो तुमसे गलती हो गई है, उस गलती को मानने की जगह पर ब्लेम कर रही हो, हाँ? माफी मांगो माँ से अभी के अभी। देखिए माँ जी, अब जो होना था वो तो हो ही गया, बाकी माफ करिए मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, नहीं बनाऊंगी अंडा करी, लेकिन अब जो खा लिया है उसे तो पेट में से निकाल नहीं सकती हूँ, तो आपके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तो दूर हो जा मेरे सामने से, पहले जाकर रसोई साफ कर, जहाँ तूने अपनी ये अंडा करी बनाई है, आगे से बनाने की सोचियो भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जो परेशानी नेहा को शादी से पहले अपने घर में थी कि वो अंडा कढ़ी नहीं खा सकती थी, वही परेशानी उसके ससुराल में भी थी। इस बात से दुखी होकर वो अपनी सहेली काजल को कॉल करती है। काजल यार, तू कहाँ है, मुझे तुझसे मिलने का मन कर रहा है यार, बहुत दिमाग खराब है, आ जाना जल्दी से मेरे घर, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है, तेरी सास ने कुछ बोला है क्या? यार वो क्या बोलेंगी, मैं अपने घर वालों की आदतों से परेशान हूँ, शादी से पहले माँ नहीं खाने देती थी अंडा करी, अब सास नहीं खाने देती है, मेरे ससुराल में भी कोई अंडा तक नहीं खाता है, नॉनवेज खाना तो दूर की बात है। यार अंडे में ऐसा क्या है जो लोगों ने इसे इतनी बड़ी आफत बनाया हुआ है, एक काम कर, तू बाहर से मंगवा ले, मेरी सास खा जाएगी मुझे, अभी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ,
एक दिन तो अंडा करी को टिंडे की सब्जी समझकर खा लिया और पता लगने पर छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगी। एक काम कर, तू बाहर से मेरे लिए अंडा करी लेकर मेरे घर आ जा, कमरे में बैठकर आराम से खा लूंगी मैं। ठीक है, देखती हूँ, अभी तो मैं कहीं बाहर हूँ। काजल इतना कहकर कॉल रख देती है और नेहा खुशी खुशी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद काजल नेहा के लिए अंडा कढ़ी लेकर चुपके से उसके ससुराल आती है। दोनों हॉल में बैठी आराम से अंडा कढ़ी खा रही होती है कि तभी शर्मिला अपनी पड़ोसन कमला को लेकर घर आती है। बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना। तूने फिर घर में अंडा कढ़ी बनाई। नहीं नहीं माँ जी, मैंने अंडा कढ़ी नहीं बनाई है, बल्कि अपनी सहेली काजल से मंगवाया था। मुझे लगा आपको आने में टाइम लगेगा। शर्मिला, कहा तेरे घर में नॉनवेज देखा तक नहीं जाता था, और तेरी बहू तो अंडा करी खाने वाली बहू निकली, जिसे अपनी पसंद के आगे अपनी सास की जुबान की भी कोई कदर नहीं है। आंटी जी, वैसे तो मुझे पता है कि पड़ोसियों का काम होता है लोगों के घरों में आग लगाने का, आपको वो चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं तो वही बोल रही हूँ जो दिख रहा है, इसमें आग लगाने वाली क्या बात है। मैं तेरी सास की पक्की सहेली हूँ, इसीलिए मैंने इससे दोस्ती बनाए रखने के लिए खुद नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और तू इसकी बहू होकर अपनी मन पसंद अंडा करी नहीं छोड़ सकती है। आंटी जी, अंडा करी खाने में कोई बुराई नहीं है, आजकल तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी अंडे खाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है। हाँ आंटी जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बोलती हूँ आप सभी लोग अंडा खाना शुरू कर दो। काजल की बात सुनकर शर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। वो काजल को उसके घर में अंडा कढ़ी लाने के चक्कर में बहुत सुनाती है, जिससे नाराज होकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, तभी एक दिन नेहा कमला के घर किसी काम से जाती है और उसकी रसोई में अंडे उबलते हुए देख लेती है। तभी नेहा को रसोई में जाते हुए देखकर कमला के हाथों से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाता है। क्या हुआ आंटी जी, अपनी चोरी पकड़े जाने पर डर गई क्या आप? चोरी? मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। क्या बोले जा रही है बहू तू? आंटी जी, इस घर में आप अकेली रहती है और आप भी माँ जी की तरह नॉनवेज नहीं खाती हैं, अंडा तक नहीं खाती हैं, तो फिर ये अंडे क्या पड़ोसियों को दान करने के लिए उबाल रही हैं? बहू वो तू अपने काम से काम रख, दूसरों के मामले में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। तू बता, तू मेरे घर में क्यों आई है? हाँ, क्या काम है तुझे? आंटी जी, दूसरों के मामले में घुसने की आदत आपको है, मुझे नहीं। और मैं अभी जाकर माँ जी को बता दूंगी कि उनकी बहू तो अंडा करी खाने वाली बहू है ही, लेकिन उनकी सहेली भी अंडा खाने वाली है। नहीं बहू, ऐसा मत करियो, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगी, मेरे घर का पानी भी नहीं पिएगी। सबसे बड़ी बात है, झूठी बन जाऊंगी उसके सामने। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। ठीक है, फिर मैं एक शर्त पर माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे जब भी अंडा करी खाने का मन करेगा आप मुझे बनाकर खिलाएंगी, तभी मैं चुप रहूंगी। ठीक है, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी, बस तू अपनी सास को कुछ मत बोलियो। अपनी दोस्ती के कारण कमला नेहा की बात मानने को तैयार हो जाती है और उसे जब भी अंडा कढ़ी खाने का मन करता है तो वो अपनी पड़ोसन कमला के घर पहुंच जाया करती है। इस तरह से नेहा को अपनी मन पसंद अंडा कढ़ी भी खाने को मिलने लगती है और उसकी सास की बात का भी मान रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।